बताओ जी, आपके लिए एपेटाइजर बना दिया मैंने। अब एक्चुअली क्या था? कन्वीनियंस, इट वॉज नॉट फ्यूजन। बट फ्यूजन क्यों है? क्योंकि आपने एक ऐसी इंग्रेडिएंट यूज की है जो शायद हमारे देश में ज्यादा ना चलती हो, उसे फ्यूजन कहते हैं, मिक्सिंग ऑफ फ्लेवर्स। अब वैसे ही एक बढ़िया चीज बन रही है। रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, बच्चे क्या ऑर्डर करते हैं? मंचूरियन, फ्राइड राइस अलग ऑर्डर करते। अगर मैं मंचूरियन फ्राइड राइस बनाऊं तो है ना मजेदार। चलिए सबसे पहले मंचूरियन बॉल्स बना लेते हैं, और उसके लिए ये लीजिए, हमने कैबेज ले लिया, कैरेट्स ले लेते हैं ढेर सारे, कैप्सिकम टू गुड, वाह, साथ साथ थोड़े बीन स्प्राउट मैं यहाँ डाल लेता हूँ, थोड़ा सा सोया सॉस, हेलो जी विनेगर, ब्लैक पेपर, हेलो जी आहा, और पिटारा एनर्जी का, हेलो जी नमक शमक, नमक शमक डाल देते हैं, क्या बात है। और उसके साथ साथ मैदा, कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा ये चिली सॉस भी मैं इसमें डाल लेता हूँ, ये लीजिए, अब इसे कर लेंगे मिक्स, बहुत बढ़िया, ये लीजिए, थोड़ा सा मसलेंगे तो कैबेज, कैप्सिकम, इससे जो पानी निकलेगा उससे थोड़ा डो बन जाएगा, ठीक है जी, और थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और अगर लगे डो बनने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसमें बीन स्प्राउट वगैरह डला है, थोड़ा सा पानी का छींटा, ज़्यादा नहीं, बस, बढ़िया डो बन गया जी। अब ये लीजिए, और अब हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं और छोटे छोटे बॉल्स बनाते हैं। सबसे पहले एक फ्राई करके देखेंगे, अगर नहीं खुल रहा हो तो फटाफट बाकी भी डाल लेते हैं, ये लीजिए, हेलो जी, ये जितने बॉल्स बनाए हैं ये अब डाल देते हैं, आहा क्या बात है, धीमी आंच पे फ्राई होने देते हैं। ये लीजिए जी, ये बढ़िया क्रिस्प फ्राई हो गए, देख रहे हैं, इनको अब निकाल लेते हैं। वेजिटेबल, बीन स्प्राउट, सारी चीजें इसमें जो मजेदार है पड़ी हुई, वो देख के मजा आ रहा है मुझे, ये लीजिए, अब राइस की बारी, इसके लिए चॉप जिंजर, वाह, चॉप गार्लिक। अच्छा, मंचूरियन की खास बात ये होती है कि गार्लिक और जिंजर जो है ना, उसका फ्लेवर काफी बढ़िया आता है, और एक स्पाइस है जो ग्रीन चिली और पेपर से आता है, ये लीजिए, हमने ये डाल दिए, गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिलीज एंड नाउ अनियंस, ये लो जी, वाह क्या बात है, सौते करेंगे। और इसके साथ साथ मस्त मौला इंसान शेफ हरपाल आपके लिए बना रहा है बहुत बढ़िया डिश, मंचूरियन राइस, कंप्लीट डिश इन इटसेल्फ, कोई और चीज बनाने की आपको आवश्यकता नहीं, गार्लिक हल्का सा ब्राउन, और उसमें हम राइस बना रहे हैं करके फटाफट सारी चीजें डाल देंगे, बीन स्प्राउट, कैबेज, कैप्सिकम, वाह, थोड़े से मसाले डाल लेते हैं, सोय सॉस, हेलो जी, एक बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस, हा हा हा, विनेगर, हेलो, ब्लैक पेपर, आहा क्या बात है, मिक्स करेंगे, ओ मैन, थोड़ा सा मैं इसमें ये मंचूरियन बॉल्स डाल लेता हूं, और अब इसमें ये लीजिए थोड़ा पानी, देयर यू गो, लुक्स लाइक परफेक्ट मंचूरियन, अनलाइक रेस्टोरेंट्स में जो करते हैं
वो मैं नहीं करूंगा। रेस्टोरेंट्स में क्या करते हैं, ऐसे टाइम पे कॉर्न स्टार्च डाल देते हैं। हम जी कॉर्न स्टार्च नहीं डालेंगे, इसमें सबसे पहले तो जी एनर्जी डालेंगे। एनर्जी के लिए ओ जी नमक शमक डाल देते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें, सोया सॉस में एनर्जी होती है, सोया सॉस, चिली सॉस जो हमने डाला उसमें भी एनर्जी होती, तो ये चीज़ें ध्यान रख के आपने टेस्ट करके डालनी है, ठीक है ना। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ये लीजिए। ओहो, क्या बात है, आई कैनॉट वेट नाउ, मंचूरियन राइस, देयर यू गो। ओहो हाय हाय हाय, मजा आ गया जी। देखा, इसलिए मैंने कॉर्न स्टार्च नहीं डाला जी, ये अपने आप थोड़ा सा जो मॉइस्चर है उसमें मिक्स होके, ओह कैन यू बिलीव हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, मुंह में जी आ गया पानी, आहा क्या बात है। ओहो दिस इज सुपर मैन, गैस धीमे, फाइनली थोड़ा सा धनिया, हेलो जी, आहा क्या बात है यार, मंचूरियन राइस स्प्रिंग अनियन, लो जी तैयार, गैस बंद, परोसने के लिए प्लेट आ गई जी। इफ यू कैन गेट एनीथिंग बेटर देन दिस कॉल मी। जी मंचूरियन राइस तैयार, मुंह में पानी आ रहा है, सच में कह रहा हूं। अब दो चीजें हैं इसमें, मैं फ्यूजन का मास्टर हूं हिंदुस्तान में, मैं अपने आप को यही कहता हूं, और मैं आलू की सल्ली ये ऊपर से डाल लेता हूं। कैन यू बिलीव, आपके पास घर पे फ्राइड नूडल है वो डाल लें, ठीक है, जो करना है करिए, लेकिन ये डिश अगर मिस की ना तो लाइफ में बहुत कुछ मिस करेंगे, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों को कि मुझे मिस मत करिए, जब भी याद करेंगे मैं आऊंगा, चाहे फेसबुक द्वारा या ट्विटर द्वारा आते रहूंगा आपके पास। और रेसिपी मिस करते हैं कुछ मत करिए, सीधे यूट्यूब जाएं, टर्बन तड़का जाएं, फूड फूड की वेबसाइट में जाएं, सब जगह मिलेंगी, याद करेंगे पक्का आऊंगा, प्रॉमिस। अगले एपिसोड में नई चीज़ें लेके, मज़ेदार खाना लेके, इस बार बढ़िया चीज़ें बन गई, फ्यूजन हो गया, मुझे फ्यूजन समझ के याद कर लीजिए। वेज मंचूरियन फ्राइड राइस बनाने के लिए, मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए एक बोल में डालें बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, गाजर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, एक बड़ा चम्मच बीन स्प्राउट्स, एक बड़ा चम्मच सोया सॉस, एक छोटा चम्मच विनेगर, कुटी हुई काले मिर्च, नमक, मैदा, कॉर्न स्टार्च और एक बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस, और उसे मिला ले। फिर डाले थोड़ा पानी और अच्छे से मिला ले। एक पैन में काफी सारा तेल गरम करें। अब हाथों को थोड़े से पानी से गीला करें और बनाए हुए मिश्रण को समान हिस्सों में बांटें और गोले बना लें। फिर बनाए हुए गोलों को गरम तेल में धीमी आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें और एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर सोख लें। मंचूरियन राइस बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन में एक बड़ा चम्मच तेल गरम करें। उसमें डालें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज और एक मिनट तक भून लें। फिर डालें बचा हुआ बीन स्प्राउट्स, श्रेड की हुई पत्ता गोभी, शिमला मिर्च के जूलियंस, बचा हुआ सोया सॉस, बचा हुआ रेड चिली सॉस, बचा हुआ विनेगर और कुटी हुई काली मिर्च और मिला ले। अब डाले तले हुए मंचूरियन के गोले और आधा कप पानी, मिलाए और एक मिनट तक पकाए। फिर डाले नमक और मिलाए। फिर मिश्रण के ऊपर बासमती चावल फैलाए और एक मिनट तक पकाने के बाद अच्छे से मिला ले। धनिया के डंठल बारीक काटे और पैन में हरे प्याज के साथ डाले, आँच बुझा कर अच्छे से मिलाए, फिर आलू सलीक से सजाए और गर्मा गर्म परोसे।